क्या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब कीजिए स्टे लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार चैप्टर है और चैप्टर का नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर नंबर 6 डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जैसे एक इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है और अंत समय आने के बाद अलविदा कर देता है, ऐसे ही फर्म की भी एक अपनी लाइफ होती है। फर्म जिसे एक आर्टिफिशियल एंटिटी कहते हैं, यह क्या होता है, बनाया जाता है, लेकिन ओवर द पीरियड कभी तो गवर्नमेंट की वजह से कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ चेंज कर दिया उसकी वजह से फर्म ही बंद। जैसे दिल्ली में प्लास्टिक बैन, तो प्लास्टिक बनाने वाले जितनी भी फर्म्स हैं सब खत्म है ना। ओके, इसी तरीके से मान लो किसी स्टेट में बता दिया तंबाकू बैन, तो स्टेट में तंबाकू नहीं बिकेगा। तो अगर कोई छोटी मोटी तंबाकू बनाने वाली कंपनी, पैकिंग करने वाले, बनाना तो छोड़ दो, मतलब उससे बनाने वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो सब बंद है ना। जैसे कि कोडेक कहते हैं 110 साल बाद कंपनी अलविदा कर गई। नोकिया आप सभी जानते हो, वो अलग बात है कि अभी दोबारा से मार्केट में आई है लेकिन खत्म तो हो गई है ना, खत्म हो गई ना। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो खत्म हो जाती है। अच्छा, एक कहानी सुनाता हूं, उससे ये चैप्टर क्या है इससे और क्लियर होगा। मान लो विजयलाल ये सोच रहा है यार कि मैं इंडिया से बाहर बसना चाहता हूं, तो अब क्या है, उसके पास इंडिया में घर है, जमीन है, बहुत सारे फर्नीचर है, बाकी सारी चीजें हैं, और वो सोच रहा है कि बाहर बसना, और उसके जो रिश्तेदार हैं उसको सामान देना नहीं चाहता जो है, तो क्या करेगा, उन सामान को बेच देगा। फर्नीचर क्या करेगा, बेच देगा, और क्या करेगा, बाहर जाके खरीद लेगा, ऐसा ही है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या किया जाता है, जो फर्म्स की जितनी भी एसेट्स है उसको बेच दी जाती है, कर्जों को चुका दिया जाता है, उसके बाद जो पैसा बच जाता है पार्टनर बांट लेते हैं, और फर्म अलविदा कर गई, फर्म खत्म हो रही है, आज के बाद ये फर्म नहीं दिखेगी। ओके, इसको क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है बात, ये पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो गई, मतलब उस नाम की कंपनी अब नहीं मिलेगी आपको। ओके जी, यहां पे अगर कुछ मीनिंग की बात करें तो मींस डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन अ फर्म। जब बात करते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म की, तो इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई, अब उनके बीच में कोई पार्टनरशिप भी नहीं हो गई, फर्म तो खत्म हो गई। इट मींस क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो बंद हो जाएगा, एसेट्स को बेच दिया जाएगा, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी जाएगी, और बचा है बांट लेंगे, है ना। अब मान लो ये मुरारी लाल है, अब इसने बड़ी मेहनत से दुकान बनाई थी, लेकिन इनके जो बच्चे हैं रामलाल और विजयलाल, इनके बीच में विवाद हो गया। ओके, अभी इनका शॉप था, वो कहता है नहीं मेरे को इतना हिस्सा चाहिए, नहीं मेरे को हिस्सा चाहिए, तो फादर को गुस्सा है और उसने पूरी दुकान बेच दी, जो पैसा है दे दिया कि लो बेटा मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, उसके बाद तुम दोनों लेके जाओ, भागो यहां से, और मेरे को शक्ल मत दिखाना, है ना। डिसॉल्व हो गया, फर्म ही खत्म हो गई। इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑल एसेट ऑफ द फर्म आर रियलाइज, जितनी भी एसेट है सबको बेच दी जाती है, उसके बाद लायबिलिटीज आर पेड, जो कर्जे हैं उनकी पेमेंट कर दी जाती है, जो बैलेंस होता है इज पेड टू ऑल द एक्सपेंसेस, अगर बैलेंस इज पेड टू ऑल द पार्टनर्स, सॉरी एक्सपेंस नहीं पार्टनर्स, जो बच गया पैसा वो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। और हाँ, अगर कोई शॉर्टफॉल है कि मान लो पैसे पूरे नहीं हो रहे, सब कुछ बेच दिया, अपना एसेट्स भी बेच दिए, उसके बाद भी कर्जे पूरे नहीं हुए, कर्जे पूरे नहीं चुकाए जा सके, तो इस केस में क्या किया जाएगा, तो शॉर्टफॉल इन मीटिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इट इज मेट बाय पार्टनर्स फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट्स, बेच दी जाती है उनकी प्राइवेट एसेट्स, नीलाम कर दी जाती है, और उसके बाद कर्जदारों को दे दिया जाता है पैसा। ओके जी, जैसे मान लो अभी जो सिचुएशन बताई, इसमें जितनी भी एसेट्स है उसको बेच देते हैं, लायबिलिटीज को
पे कर देते हैं, बैलेंस पार्टनर्स में बांट देते हैं, शॉर्टफॉल जो होगा मेड बाय पार्टनर्स प्राइवेटली। ओके जी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म है वो कैसे होता है, मतलब डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। बात हो गई चलो जी अब फर्म नहीं चलेगा, बंद होना है, तो एक तो फर्म की उम्र, क्या फर्म भी नेचुरल है कि पैदा होगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा और खत्म हो जाएगा, क्या ऐसा है? नहीं ना, फर्म तो ग्रो होती है। प्रॉब्लम क्या होती है जब उसके चलाने वाले में के बीच में कुछ विवाद पैदा हो जाए, है ना, या चलाने वाले पहले तो बहुत अच्छे थे लेकिन जब हम नए चलाने वाले हैं तो उसको चला नहीं पाए, ऐसा होता है। बहुत सारे बिजनेस हमने देखे हैं जिसे उसके पिताजी ने चला के दिया और आगे चलकर बेटा नहीं चला पाया, बिजनेस खत्म हो जाता है ना। तो एक है म्यूचुअल एग्रीमेंट, बहुत काम कर लिया, आप नहीं करना चाहते, अब चाहते हैं अपनी जिंदगी को जीना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। ओके, बंद कर देंगे। एक है कंपलसरी डिसोल्यूशन, कंपलसरी समय पूरा हो जाए, मान लो इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए फर्म बनाया, अब जैसे रामलाल, मुरारीलाल और श्यामलाल तीनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भाई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके लिए एक फर्म बनाया और उस बिल्डिंग में को बनाने में 3 साल लगने थे। ओके, अब नई कंपनी बनाई उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। ओके, और उसके बाद जब बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, जब पेमेंट्स आ गए, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, फॉर्म बंद कर दिया जाएगा, है ना। ऐसा भी कंपलसरी डिसोल्यूशन भी होता है। एक होता है नोटिस बाय कोर्ट, कोर्ट ने नोटिस दे दिया बंद करो बिजनेस, क्यों बंद करो, क्योंकि नहीं चलाने देंगे, फिर क्या होगा, है ना, बंद करना पड़ेगा। फिर है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जैसे किसी कोई इंपॉर्टेंट पार्टनर है उसकी डेथ हो गई, जो बिजनेस का एक बैकबोन है उसकी डेथ हो जाए, बिजनेस खत्म, जिसके पूरे दिमाग पे उसका बिजनेस चल रहा था और वही खत्म हो जाए, या मान लो एक बिजनेस है जिसमें सभी पार्टनर जा रहे थे, सॉरी एक बिजनेस है और उसके उस बिजनेस के जितने भी पार्टनर थे एक कार में एक ट्रिप पे जा रहे थे और खत्म, बिजनेस खत्म, उसके पीछे वारिस नहीं चला पाएंगे बिजनेस, क्योंकि उनको पता भी नहीं है क्या है। और बाई कोर्ट, एक है बाई नोटिस। अच्छा, नोटिस में क्या होता है, यहाँ पे पार्टनर्स भी नोटिस दे सकता है कि बिजनेस बंद करो, अगर सभी सहमत है तो बंद कर दिया जाएगा, और कोर्ट तो मैंने भी बताया कि कोर्ट के थ्रू। ये टोटल 5 ऑप्शंस हैं, एक एक करके दोबारा से देख लेते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट में व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री, कंपलसरी डिसोल्यूशन में व्हेन ऑल द पार्टनर आर इंसॉल्वेंट और व्हेन बिजनेस बिकम अनलॉफुल, बिजनेस ही अनलॉफुल घोषित कर दिया गया, कि अभी बिजनेस लॉफुल नहीं है। ओके, ठीक है, यस। By notice में any partner giving notice in writing to all the partners of the office intention to dissolve the firm और सभी partners सहमत हो जाए, यहाँ पे कोई event हो जाए जैसे कि on expiry of the term, on completion of the venture, जैसे अभी मैंने बताया आपको building complete हो गया, किसी partner की death हो जाए, किसी में death हो जाए तो death of a partner होगा, लेकिन वो main partner है जिसका सबसे ज्यादा पैसा लगा और backbone में हो, नहीं चलेगा फिर। और वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी ऐसी सिचुएशन होती है, ये हायर क्लास में पढ़ोगे। बाय कोर्ट में बताया अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब अब वो मतलब एक तरीके से उसको पता ही नहीं, अनसाउंड माइंड समझते हो, नहीं, जिसका दिमाग काम करना बंद कर दे, ओके, पागल हो जाए। अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब कुछ अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाए, और एग्रीमेंट इज ब्रीज्ड, आपस में जो एग्रीमेंट है अगर वो एग्रीमेंट टूट जाए तो फर्म डिसॉल्व कर दिया जाएगा। टोटल 5 ऑप्शंस हैं, एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछ लेते हैं इसलिए इसके ऊपर ज्यादा चर्चा की, और अगर ये नहीं भी पढ़ोगे तो बाद में परेशानी हो जाएगी, इसलिए बताना जरूरी था। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करें कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट पहले हम बनाते थे रिवैल्यूएशन, अब है रियलाइज करना, बेच देना, जितनी भी एसेट्स है उसको बेच देते हैं, लायबिलिटीज की पेमेंट कर देते हैं, जो बच जाएगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा, पार्टनर्स बांट लेंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ये पता लगाने के लिए किसको कितना पैसा देना है, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट होता है इसमें, ताकि ये पता कर सके कि भाई किसको कितना लोन के तौर पर, अगर पैसे पूरे नहीं हुए तो कितना पैसा लोन का है, और कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं इसलिए ताकि कैश और बैंक का बैलेंस पता कर सके। और मजे की बात, यहाँ पे कैश का जैसे बैलेंस शीट का टोटल बराबर होता है, यहाँ पे कैश और बैंक का टोटल बराबर मिलेगा आपको। ओके, चलिए,
एक ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जहां पे हमने यहां पे कैश की डिटेल दे रखी है, ये सॉरी कैश नहीं, एसेट्स है, करंट एसेट्स है, इधर फिक्स एसेट्स है, इधर इंटेंजिबल एसेट्स है। ऐसे ही ये करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, रिजर्व और ऑनर इक्विटी। नॉर्मली क्या होता है, जब हम मैं अभी सिखा रहा हूं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, नॉर्मली क्या होता है, जो बैलेंस शीट दे रखी होती है ये, जैसे इसमें जो एसेट साइड की आइटम है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ आइटम छोड़ के, वो कौन से आइटम है बाद में बताऊंगा, और लायबिलिटी साइड के आइटम को इधर क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं, मतलब जिगजैग करते हैं। अब इसमें से कौन से आइटम छोड़ते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले देखते हैं, इधर एसेट साइड में हम लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स इंडिविजुअल लिखेंगे, जैसे कि डेटर्स, स्टॉक है ना, बिल्डिंग, मशीनरी, सब लिखेंगे यहां पे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो करंट एसेट्स है या फिर फिक्स एसेट्स है, लेकिन नहीं लेते कैश और बैंक, क्योंकि कैश और बैंक का अलग से अकाउंट बनाते हैं बाद में। फिक्टीशियस एसेट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, नहीं लेते। नहीं लेते हम लोग डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल और करंट अकाउंट अलग से बनाते हैं। और नहीं लेते यहां पे पार्टनर्स का लोन, ये सब हम नहीं लेंगे यहां पे। ओके जी, इसी तरीके से सारी लायबिलिटीज लेंगे, तो लिखेंगे यहां पे इस साइड जो लायबिलिटीज है ये सारी लायबिलिटीज लेते हैं, लेकिन नहीं लेते क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं लेते रिजर्व, नहीं लेते बैलेंस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट, और नहीं लेते लोन फ्रॉम पार्टनर्स, ये सब चीजें हम लोग नहीं लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एसेट्स बिकने वाली है उसे बेच देंगे। अभी तो जिगजैग किया था, बट क्वेश्चन में बोलेगा बेच दो, तो अगर कोई एसेट्स हमने बेच दिया है तो कैश या बैंक अकाउंट करके एसेट रियलाइज्ड दैट इज सोल्ड टू आउटसाइडर, पार्टनर्स के अलावा किसी बाहर वाले को दे दिया, वो लिखेंगे। अगर किसी पार्टनर ने कहा नहीं नहीं यार ये वाली चीज तो मुझे दे दो एसेट्स, तो लिखेंगे बाय एज कैपिटल, अगर ए ने बोला तो, या करंट अकाउंट करके एसेट टेकन बाय पार्टनर। इसी तरीके से कर्जों की पेमेंट करेंगे तो टू कैश या बैंक अकाउंट से आउटसाइड लायबिलिटीज पेड, जैसे क्रेडिटर, बीपी, लोन, अदर लायबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंस, इधर लिख लेंगे। लिख लिया? Yes, इसके बाद टू ए कैपिटल या करंट अकाउंट करके अगर कोई पार्टनर ये कहता है कि इसकी ये वाली जो लायबिलिटीज है ना उसकी पेमेंट मैं करूंगा। कई बार होता है कि पार्टनर्स को बोला जाता है कि तुम इस लायबिलिटीज की पेमेंट कर दो, अगर ऐसा है तो उसकी अगर वो पेमेंट करेगा तो यहां पे हम कंसीडर करेंगे, और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस। यार सिंपल है, सबसे पहले एसेट को ट्रांसफर किया, लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया, जो चीजें नहीं लेने वाली है उसको छोड़ दो, फिर एसेट बेचना है बाहर वाले को तो बेच दिया यहां पे बाई कैश या बैंक करके, पार्टनर को बेचा है तो बाई ए कैपिटल या जिस पार्टनर ने भी लिया है उसके नाम से दे दिया, यहां पे लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी डेबिट साइड में टू कैश या बैंक करके, और एस कैपिटल या करंट अकाउंट करके कोई अगर लायबिलिटीज टेक करता है पार्टनर तो लेंगे, बैलेंस जो बचेगा दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस। ओके जी, अब यहां पे कुछ सवाल है, आपके मन में भी सवाल होगा, उसी सवाल का जवाब है यहां पे। व्हेन प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, कई बार क्या होता है एसेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे अगर टेंजिबल एसेट, टेंजिबल के बारे में कुछ नहीं बताया, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब तो सोल्ड एट बुक वैल्यू। अभी एक बच्ची ने अभी कुछ दिन पहले जो है हमारी स्टूडेंट ही है, उसने कॉल किया और मुझे कहा सर बिल्डिंग ना दे रखा है लेकिन क्वेश्चन में नीचे बताया नहीं है, तो क्या बिल्डिंग को बेचेंगे लेंगे? तो मैंने कहा क्या बिल्डिंग खत्म हो जाती है, है? एक बिजनेस है उसके पास बिल्डिंग है और क्वेश्चन में कुछ ही नहीं बताया कि बिल्डिंग का क्या करना है, तो इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू आज के डेट में जीरो हो जाएगी, ऐसा होगा? यार आज एक मोबाइल फोन तुम खरीदते हो और मोबाइल फोन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब मान लो ये 70,000 रुपए का मोबाइल फोन है नोट का, अब जब खरीदा हमने नोट 8 तो सिंपल सी बात है 69,900 के आसपास पे किया, अब ये 70,000 रुपए का फोन एक साल बाद भी बेचेंगे तो कुछ तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? आवाज नहीं आई जी, मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो बिल्डिंग जीरो नहीं होगी, फर्नीचर जीरो नहीं होगा, टूट गया वो एक अलग बात है, तो मान के चलेंगे वो एसेट है और उसको उतने में बेच देंगे जितने में लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। समझ गए? कंफ्यूजन yes, नहीं चाहिए इसको लेकर। अब दोबारा से इनटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट्स, इसके बारे में नहीं बताया तो मान के चलेंगे आज के डेट में इसकी वैल्यू जीरो हो गई है।
क्या हो गई है? जीरो. तो दिखाएंगे डन. और आउटसाइड लाइबिलिटीज क्यों? हमारे ससुराल वाले लगते हैं वो, जो पैसे कहेंगे बेटा तुम्हारा बिजनेस तो बंद हो रहा है तो इसलिए क्या जरूरत है आपको पैसे देने के, रहने दो. ऐसे तो नहीं है ना है? सर ससुराल वाले तो आपके होंगे, हमारे थोड़ा ना होंगे वो यार, आप जो भी समझ लो आप, ठीक है. लेकिन वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है. पेमेंट घर इधर बिजनेस के बाहर खड़े होकर धरना दे देंगे वो. पैसे देने हैं उसके, पेमेंट करनी पड़ेगी. और कैसी? आधी पूरी, जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी है पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी. अब सर पैसा पूरा ना हो तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, हायर स्टडी में पढ़ेंगे. पैसा पूरा ना हो तो लाइबिलिटीज की पेमेंट कैसे करते हैं वो बाद में डिस्कस किया जाएगा. यहां तक क्लियर है? ओके. तो अभी मैंने बोला कि ये सिचुएशंस, इसके बाद कभी कभी क्या होता है बैलेंस शीट में ना, जीएलपी और जीएलपी का फंड, इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऐसा दे रखा होता है. तो अगर जीएलपी और इन्वेस्टमेंट, ये तो हमारी एसेट है. मान लो किसी ने एलआईसी पॉलिसी कराई, वो एसेट नहीं है उसके लिए? आवाज ही नहीं आ रही है. इन्वेस्टमेंट ये हमारी एसेट है या नहीं? है एसेट है. तो इसको इधर जिगजैग करोगे और क्वेश्चन में बोलेगा बेच दिया है तो बेच दो, नहीं बोला तो कुछ नहीं करोगे. ओके, बोलेगा बेचना है तो बेच दो, नहीं बोला तो कुछ नहीं करोगे. और अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, ये उठा के इधर लिख लिया और इसके बाद इसको देख रहे हो रियलाइज किया, बोलेगा तो ठीक है नहीं बोला तो छोड़ दोगे. और इसको तो ये तो घर की खेती है. क्या ये? घर की खेती है. इसको जिगजैग करके यहां पे लेके आओगे और इसकी पेमेंट नहीं होती. घर की खेती की भी पेमेंट करोगे क्या? जीएलपी फंड आपने बनाया है कि कल को अगर जर्नल पॉलिसी का पैसा कम मिलेगा तो एडजस्टमेंट हो सके. इस चीज को अच्छे से समझ लो. इसमें लेकर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है. दोबारा समझो, जीएलपी फंड इस साइड है और जीएलपी दे रखा है, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट दे रखा और आईएफएफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको जिगजैग कर दोगे. पहले क्या कर दोगे? जिगजैग. इसके बाद अगर बेचने के बारे में बोला है तो बेच दो, नहीं तो छोड़ दो. ओके अच्छा, फंड के बारे में सर कुछ ना बोले तो फंड तो कुछ बोले ना बोले तुम करोगे ही नहीं कुछ. क्यों भाई? क्योंकि ये जो पैसा है फंड का वो तो अपना पैसा है ना, घर की खेती है, इसकी पेमेंट नहीं होती है, ये कर्जे नहीं है, ये रिजर्व की तरह है. किसकी तरह है ये? रिजर्व की तरह. चलें आगे. अच्छा एक नई बात और भी है इसमें, एक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जैसे कि ये पहला कॉन्सेप्ट बताया, ये दूसरा कॉन्सेप्ट बताया, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे पहले केस में फर्म ने पे किया और बॉर्न बाय फर्म, मतलब जो खर्चा है वो भी फर्म का है और पेमेंट भी फर्म का है, तो उस केस में जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. फर्म के जेब से पैसा गया तो इसलिए कैश को क्रेडिट करोगे, और क्या ये खर्चा है तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट. ओके तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा देखें तो जो बॉर्न करेगा उसको डेबिट में लिखेंगे और जो पे करेगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे. ओके अब सर बॉर्न और पे का मतलब समझ में नहीं आया, इसको समझाता हूं. आप और आपकी माता जी दोनों मार्केट गए शॉपिंग करने. ओके आप पहुंच गए भाई मार्केट में. अब मम्मी जी को एक सामान पसंद आ गया, पर्स खोला तो देखा उसमें 100 रुपए कम है. आपको बोला कि बेटा 100 रुपए है क्या तेरे पास? आपको बोला कि बेटा 100 रुपए है वो जो दिए थे दे. आपने कहा ठीक है मम्मी देता देती हूं, और आपने वो पैसे दे दिए. खर्चा किसका है? आपका है वो है? किसका है वो? मम्मी का. अभी पैसा कौन दे रहा है? आप दे रहे हो. कौन दे रहा है? आप. अब मान लो सपोज करो कि आप सभी मतलब शाम को पापा आते हैं और बड़े खुश मिजाज हो गए हैं आज, तो पापा बड़े खुश हैं, कहते हैं आ जाओ चलो तुमको आइसक्रीम खिला के लेके आता हूं. बिठाया और आइसक्रीम की दुकान पे गए, उधर सबको दिला दिया भाई कसाटा और खाओ भाई, या जो पसंद है वो ले लो दी. आपको दिला दिया, पापा ने निकाला 500 का नोट दे दिया उसको. तो ये खर्चा किसका है? पापा का. बॉर्न कौन कर रहा है? पापा. है ना? अभी ये बात समझ में आया बॉर्न और पे करने में? अच्छा सिचुएशन देखते हैं जरा सेकंड वाली. अगर पेड बाय पार्टनर है, जबकि वो पार्टनर का अभी पेमेंट पार्टनर ने की है, लेकिन ये पैसा पार्टनर को बियर नहीं करना, इसको ऐसे समझो. जैसे कि अभी मम्मी वाला केस बताया था, खर्चा किसका था? वो मम्मी का. पैसे कौन दे रहा है? आप दे रहे हो. तो फर्म के लिए खर्चा है, मम्मी के लिए तो खर्चा है,
यहां पे फॉर्म के लिए खर्चा एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या फॉर्म के जेब से पैसा गया? नो सर। नहीं, पार्टनर ने अभी दिया है फिलहाल के तौर पे, तो इसलिए पार्टनर का नाम लिख देंगे, फॉर्म के लिए कर्जा हो जाएगा एक तरीके से। समझ में आया? Yes, इसी तरीके से अगर मान लो ये पैसा पार्टनर का था लेकिन फॉर्म ने पैसा दे दिया, पार्टनर का था लेकिन फॉर्म ने दे दिया, तो फॉर्म के अकाउंट से पैसा चला जाएगा। हेलो यार, पैसा अगर फॉर्म ने दिया तो फॉर्म के अकाउंट से पैसा चला गया, लेकिन क्या फॉर्म का खर्चा था? नहीं, ये पार्टनर का था, हमने बोला पार्टनर बियर करेगा इसको, तो ये हम पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर देंगे, इसका मतलब है पार्टनर से पैसा वापस ले लेंगे हम। समझ गए? Yes, और अगर पार्टनर्स का ही खर्चा था, पार्टनर्स को ही पेमेंट करना था, तो आपको कोई मतलब नहीं है। आप और आपका पूरा फ्रेंड ग्रुप जो है वो बर्थडे पार्टी में गए, आप ही में से एक फ्रेंड का बर्थडे था, ले गया डोमिनोज और खिलाया, बिल आया 2500 रुपए का, पेमेंट उसने कर दी, आपको क्या लेना देना था? कोई लेना देना था नहीं है ना। तो यहां पे पार्टनर का खर्चा पार्टनर ही बोन करेगा, कोई मतलब नहीं है फर्म को। तान जी यूं समझो ना यार कि अगर पार्टनर की जेब से पैसा जाएगा, अगर पार्टनर्स का खर्चा है, सॉरी फर्म का खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, और अगर पैसा गया फर्म के अकाउंट से तो कैश जाएगा फर्म का, बाकी आपको देखना है क्या है। कुछ बातें हैं, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, कुछ ना बताए किसका खर्चा, कौन बियर करेगा, तो सिंपली मानेंगे फर्म का खर्चा फर्म ने बियर किया, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। समझे? इफ अ पार्टनर एग्री टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन एंड कैरी आउट द डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ रेमुनरेशन, मतलब एक पार्टनर को अपॉइंट किया, बोला तुम्हें इस बात के लिए हम 5000 रुपए देंगे, तुम्हारी मार्केट में जान पहचान अच्छी है तो सारी एसेट्स बेच दो, ओके? लेकिन इस काम के लिए बिकॉज हम आपको पैसे दे रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो खर्चा होगा वो तुम्हारा, रिक्शे वाले को कोई सामान यहां से भिजवाना कुछ भी वो तुम्हारी प्रॉब्लम। तो इस केस में हिज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट एंड डू एंट्री फॉर एक्चुअल एक्सपेंस एज पर द सिचुएशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे कि रामलाल अपॉइंट किया हमने इस बात के लिए और रामलाल को 3000 रुपए मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंस 2800 रुपए का है, तो जो रामलाल को हमने पैसा दिया, क्या दिया जी, जो रामलाल को पैसा दिया उसमें क्या होगा, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रामलाल कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि रामलाल को पैसा दिया अभी हमने। और अगर हम बात करें यहां पे एक्चुअल एक्सपेंस की 2800 की, इफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रामलाल, अब भाई रामलाल को, जैसे इसको ऐसे समझो, आपने अपने किसी दोस्त को कोई सामान लाने के लिए बोला, मान लो एक मोबाइल फोन था और उसने बोला यार इस जगह ना मोबाइल फोन सस्ते मिल जाते हैं, नए मोबाइल फोन सस्ते मिल जाते हैं, उसको बोला ठीक है तेरे जाने आने का 300 रुपए खर्चा दे देता हूं, ला दे मेरे लिए भी एक फोन। अब बेशक उसका 100 रुपए खर्चा लगे, 50 रुपए लगे, आपको कोई मतलब नहीं है, आपने तो पैसे कितने दे दिए उसको, 300 रुपए, ऐसे ही पहली एंट्री में था, ओके, कि जो फॉर्म ने दिया उसकी एंट्री हो गई। और यहां पे अगर एक्सपेंसेस रामलाल के जेब से गया तो कोई एंट्री नहीं, लेकिन अगर ये पैसा रामलाल ने फॉर्म के पैसे से ही निकाल के दे दिया पैसा, तो खर्चा तो बिजनेस का नहीं है, ये बिजनेस का खर्चा 3000 था, इसलिए रिलेशन एक्सपेंस में 3000 दिखाया, ओके। और ये पैसा मिलेगा किसको, रामलाल को, तो रामलाल के कैपिटल को क्रेडिट इसी वजह से किया है, क्योंकि क्रेडिट करते हैं तो कैपिटल बढ़ता है, पता है ना, इसलिए किया। लेकिन अगली एंट्री में उसने वो पैसा फर्म के गल्ले से निकाल के दे दिया, भाई ये तो फर्म के यहां से गया, तो फर्म के अकाउंट से अगर पैसा जाएगा तो कैश या बैंक लिखेंगे, लेकिन क्या ये खर्चा फर्म का है? No, नहीं, तो फर्म ये कहेगी ला मेरे पैसे दे वापस दे, तो उस केस में क्या होगा, डेबिट कर देंगे रामलाल का अकाउंट। ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझने हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो समस्याएं आ जाएंगी हमारे साथ, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। डैन जी, तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे, घर पे क्या करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उन सभी को याद करना है, ओके। चलिए, मजा आ गया और कैसा लगा, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।